ब्राउन ब्यूटी क्या सिग्निफाई करता है साहिल? ये तो सुनने वालों को पता लग ही जाएगा। नहीं, कल इसने एक बात बोली थी कि पहले ब्राउन रंग आया था। यस, मैं कह रहा था कि पहले देखो गाना आया था ब्राउन रंग सबसे पहले, उसके बाद आया ब्राउन मुंडे सुपर हिट, उसके बाद अब आ रहा ब्राउन ब्यूटी। यस, अब एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत अच्छी है इससे भी। यस, डेफिनेटली सारे अभी तो रिस्पांस ही आ रहा है। सो टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, हाउ डिड यू स्टार्टेड आउट एज एन आर्टिस्ट, उसके बारे में कुछ बताइए आपका जर्नी के बारे में। यस, आई एक्चुअली स्टार्टेड एज अ एडिटर बेसिकली, आई एम टेलिंग यू, बट उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट था लिरिक्स लिखने में, कुछ गाने सुनने में स्टार्टिंग से था। बट अभी कुछ काफ़ी 2-3 साल से मैं लिरिक्स करते 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 थे, काफ़ी लिखे गाने और अभी सॉन्ग तो इससे पहले भी आए हैं, बट ये प्रॉपर ऐसा सॉन्ग बना है, पता नहीं यूनिवर्सल एक मैजिक है इसमें जो बन गया अचानक से ही, तो कुछ प्लान नहीं था, बन गया ऐसा। मैंने टीवी शोज से स्टार्ट किया था अपना करियर और 2-3 शोज किए मैंने, फिर इन्हीं लोगों के साथ मैंने एक पहला सॉन्ग किया था अपना एंड फिर से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इतना बढ़िया सॉन्ग करने का। सो आई एम फीलिंग वेरी लकी एंड द सॉन्ग हैज़ कम आउट टू बी वेरी ब्यूटीफुल, तो हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। दिख रही है चेहरे पे खुशी। टॉकिंग अबाउट योर टीम, मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ इसमें फैजल भाई हमारे सबसे पहले तो फोटो वाले डायरेक्टर साहब हमारे, बिल्कुल उन्होंने इतना अच्छा काम किया ना, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, कसम से। उनका विजन बहुत है, बहुत ही अच्छा। मैंने सेट देखा, उसको भी मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा बिल्कुल अपोजिट सीन होगा भाई ये तो, सीरियसली आप वीडियो देखोगे ना आपको पता लगेगा कि मैं किस सेंस की बात करूँ जो मेरे को फील हुआ वीडियो में भाई। एंड उनकी क्रिएटिविटी एंड है, और उन्होंने हमें सपोर्ट किया, मेरे को स्पेशली मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर एक चीज़ में, तो फैजल भाई का मैं बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ। तो ये लगता है कि एक स्टेपिंग स्टोन होता है, मतलब म्यूजिक वीडियो का हिस्सा बढ़ते हैं, पहले के टाइम में जैसे काफ़ी सारे आज जो स्टार्स हैं म्यूजिक वीडियो से ही आए हैं, तो आपको लगता है इट विल बी टर्न पॉइंट फॉर योर करियर एज सच, कि आगे आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा? बिल्कुल, देखो हाँ जी, हाँ जी, मेरे हिसाब से तो जो हम लोग इंसान होने के नाते देख रहे हैं, देखो वो तो टर्न पॉइंट हो सकता है, बाकी भगवान के हाथ में दिल साफ रखो तो टर्न पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। हम अपना काम कर रहे हैं डेफिनेटली। यस, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं आगे लगे हुए हैं। मेरा भी आने वाला है, ये वैलेंटाइन से पहले आ रहा है और अगला होली से पहले आएगा, तो उसका भी वेट कीजिएगा आप। सेट का माहौल था ये कि हमने शूट किया रात को, बहुत ही मजेदार था। कितने घंटे शूट किया होगा? मैं 3-4 घंटे, 4 आराम से, लेकिन लग नहीं रहा था ऐसे कि रात को कर रहे हैं क्या। हाँ, कर रहे हैं, मजेदार शूट, एकदम दिन वाली एनर्जी थी कि जैसे ऐसा नहीं कि किसी को आला सारा कुछ भी नहीं भाई। फुल एनर्जी और इतना मजा है ना काम करने में, सब एक्साइटेड थे और एकदम। रीटेक किसने दिया? सॉरी, रीटेक किसने दिया? किसी ने रीटेक नहीं, नहीं रीटेक वाले बंदे लग रहे हैं हम आपको? बिल्कुल नहीं, हमारे डायरेक्टर साहब इतने अच्छे हैं कि उन्होंने पहले बताया भी ऐसे ऐसे सीन है, क्या क्या करना है, कैसे मेरे पे छोड़ देना। हम अच्छे बच्चे, हम फॉलो करते हैं ढंग से, फॉलो कर गए। यस, एनीथिंग कुछ एल्स कुछ कहना चाहते हो आपको ऑडियंस को? ऑडियंस को मैं कहना चाहूंगा कि आप पहले एक बार ऑडियो सुनो, आपको सुन के पता लगेगा कि क्या ज्यादा इसमें जबरदस्त वाइब आ रही है। और हिप हॉप जॉनर में मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट गाना, ऑफ कोर्स मैं तो कहूँगा क्योंकि मेरा गाना है, बट मैं एज अ ऑडियंस भी मैं सुनता हूँ चीज़ को कि कैसी लग रही है। मैंने कम से कम मैं बताऊँ 20-50 हज़ार बारी गाना सुन लिया जब से, बोर नहीं हो रहा है आप कितनी भी बार रिपीट कर लो। यस हाँ, तो आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा, और स्पॉटीफाई पे, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओ, स्पॉटीफाई पे स्ट्रीम करो। ऐसे बहुत टाइम के बाद कोई एक गाना आता है ना जो आप बार बार सुनते हो। हाँ, वो चीज़ वो हमें भी नहीं पता लगता एक्चुअली, एज एन आर्टिस्ट मैं बताऊँ आपको, हमें नहीं पता लगता कि गाना हम बनाते नहीं है, गाना बन जाता है, ये चीज़ बहुत होती है। तो ये गाना एक ऐसा है जो कि बन गया ऑटोमेटिकली, अब पता नहीं मैं किस जोन में था ये क्या था, बट बन गया, मैं तो ग्रेटफुल हूँ। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत बढ़िया। पक्का आपको अच्छा लगा, तो हम भी यही होप कर रहे हैं कि सबको अच्छा लगे, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया, हम लोग बहुत खुश हैं, तो हम चाह रहे हैं कि सबको भी अच्छा लगे, सब देखे, शेयर करो, रील्स बनाओ, हमें टैग करो। बिल्कुल बिल्कुल, और वीडियो को तो यार एंड ही हो गया सीन। फैजल भाई का अगेन मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, और मीनल मैम जिन्होंने प्रोड्यूस करा है, मीनल मैम को भी मैं बहुत थैंक यू, स्पेशली आपको भी, इनको और फैजल भाई को तो बहुत प्यार बहुत ज़्यादा। यस डेफिनेटली, आप क्यों नहीं करें, एक दो लाइन चार करेंगे। ओके, इट्स लाइक ये करे ब्राउन बूटी अप डाउन, करे चिल पूरा टाउन होता शट डाउन, लड़की राइट चले रॉन्ग साइड, जब भी पकड़ूं उसको कहती बेबी होल्ड मी टाइट, होल्ड मी टाइट। या थैंक यू, थैंक यू।
हाँ जी यस सर स्टार्टिंग में हाउ टू जर्नी इन द इंडस्ट्री हाउ डिड यू स्टार्ट इट एंड अबाउट द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट व्हाट यू वांट टू से सी आई इट्स बीन इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक वीडियोस आई थिंक 9 years and more than 350 videos with multiple channels, multiple artists. But yeah, they are special to me. मतलब इनके साथ इनका भी पहला वीडियो मैंने किया था, इनका भी पहला वीडियो मैंने किया है, तो ये लोग मेरे लिए काफ़ी स्पेशल हैं. एंड रैप सॉन्ग जो है वो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है, इट्स वेरी डिफरेंट. सो उसके लिए स्पेशलिस्ट मेरा जो मेरी जो आँखें हैं, जो मेरा जो मेरा टैलेंट है वो राहुल है. राहुल इज़ अ वंडरफुल DOP. मेरी एड्स, मेरी कमर्शियल एड्स, इन्होंने काफ़ी वेब सीरीज़ करें, शोज़ करें. सो इनके साथ हमने एसोसिएट किया इस गाने को, इस गाने की कलरिंग, इस गाने का पैटर्न, सब कुछ. मतलब 90% क्रेडिट इनका जाता है, बाकी 10% क्रेडिट इन दोनों का जाता है. नहीं, और फिर टोटल 200 होता है, 100 इनका. इनके लिए म्यूजिक लगवा दे, थोड़ा सा एक ग्रूव ले लीजिए, डांस ले लीजिए. हाँ गाना नहीं देखना.